गुड मॉर्निंग क्लास टुडे वी स्टार्ट ऑन नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर और चल रहा है अपना उसका नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना है टाइप्स ऑफ एंगल्स ठीक है आपको इसमें बताएंगे कि एंगल्स के टाइप कौन से होते हैं हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि एंगल्स मेजरमेंट कैसे करते हैं है? मैजस्ट करना सीखा था एंगल को ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि एंगल्स के टाइप्स कौन कौन से एंगल कितनी टाइप्स के होते हैं कौन कौन से एंगल है उनको उनका नेम क्या क्या है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमने उनकी डिग्रीज के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं एंगल्स को डिग्रीज आ, 90 डिग्री है 180 डिग्री है आ, 90 डिग्री से आ, अबोव है लेस देन है तो उसके अकॉर्डिंग हम एंगल्स को आ, उनका आ, आ, करते हैं डिवाइडेशन करते हैं ठीक है अलग अलग क्लासीफाई करते हैं एंगल्स को ठीक है तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका देखिए क्या है मेजर क्या होता है जीरो डिग्री टू 180 एटी डिग्री आपको मैंने डिग्री का सिंबल बता दिया था क्या होता है डिग्री को कैसे डिनोट करते हैं ठीक है जीरो डिग्री टू वन एटी डिग्री आपका कौन सा एंगल बोलते हैं जीरो एंगल एंड स्ट्रेट एंगल ध्यान से देख लीजिए एक और जीरो एंगल हैीरोन एटी डिग्री एंगल को हम कौन सा एंगल बोलेंगे जीरो एंगल या स्ट्रेट एंगल बोलेंगे ठीक है समझ में आए यहां तक सभी को क्या होगा जीरो डिग्री एंगल एटी डिग्री एंगल आर कोल्ड जीरो एंगल स्ट्रेट एंगल ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे देखिए फर्स्ट वॉल देख लीजिए एंगल्स के टाइप्स देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं एंगल्स के देखिए अभी मैं रफली ड्रो कर रही हूं आप देख लीजिए सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट मैंने एंगल यहाँ बनाया है ठीक है इसको क्या वो ये ये एंगल होता है आपका नाइन्टी डिग्री का राइट right एंगल इसको हम बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं इस एंगल को ठीक है ये हमारा एंगल हो गया राइट right एंगल ये एकदम सीधा होगा देखिए आप देख रहे हैं मैंने रफली ड्रॉ किया है ठीक है ये इस एंगल को हम बोलेंगे ये 90 डिग्री होता है और इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ठीक है right इस एंगल का नाम रहेगा हमारा एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री कोल्ड ए राइट एंगल जो जिस एंगल का क्या आएगा मेजरस आएगा 90 डिग्री उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ओके नेक्स्ट देखिए आप अब नेक्स्ट एंगल आपका है एक्यूट एक्यूट एंगल। एंगल कौन से होते हैं? जिन एंगल्स एंगल्स का मेजर, मेजर ऐसे जिनका जीरो नाइनटी डिग्री के बिटवीन होता है, ठीक है? ठीक जैसे हो हो गया, गया? डिग्री, डिग्री डिग्री ये क्या हो गया? 0 से लेके 90 के बिटवीन जो होगा जो भी एंगल जीरो तो आप क्या बोलोगे मैम ये एक्यूट एंगल कौन से होते हैं एन एंगल मेज़रिंग बिटवीन जीरो डिग्री एंड नाइनटी डिग्री इज कोल्ड एंड ओके, ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे जो के हो, उनको हम एंगल बोलते हैं ठीक है फर्स्ट हमारा हो गया था राइट एंगल सेकेंड हमारा एक्यूट एंगल हो गया थर्ड देखिए हमारा ओपट्यूस एंगल थर्ड हमारा है ओप्टूस एंगल देखिए ये कौन से एंगल होते हैं ठीक है ये वो एंगल होते हैं जिनका क्या मेजरमेंट होता है 90 डिग्री बिटवीन 180 डिग्री 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जिनका मेजरमेंट होता है वो आपके एंगल होते हैं देख लीजिए बुक में भी लिखा है एंगल मेजरिंग ग्रेटर देन जो बिटवीन होगा जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो और स्मॉलर देन किससे हो 180 डिग्री से तो वो एंगल सारे कौन से हो जाएंगे आपके ऑबट्यूअस एंगल हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट एंगल देख लीजिए आपका ये एंगल्स के टाइप्स अच्छे से लर्न कर ध्यान रख लेना बना के भी देखोगे या फिर हम उनको नाम दे सकते हैं ऑबट्यूअस एंगल डिग्री होती है डिग्री के अलावा उनको क्या बोलते हैं इसे मैंने ये एंगल ड्रॉ कर दिया तो अब आप मैं आपसे पूछू कौन सा एंगल है तो आप देखते थे कम है जीरो टू नाइनटी डिग्री के बीच में है ये सिक्सटी फाइव भी हो सकता है सिक्सटी भी हो सकता है फिफ्टी फाइव भी हो सकता है तो इसको हम कौन सा बोलेंगे एक्यूट एंगल बोल देंगे ठीक है और तो मैं अभी बता रही थी एक लास्ट एंगल रहता है अपना देख लीजिए देखिए ये अपना एंगल देखिए ये ऐसे बना हुआ है आपको होता है थ्री सिक्सटी डिग्री का एंगल वन एट ये स्ट्रेट एंगल होता है 180 वन एट्टी डिग्री जीरो है ना ये आपको बताया था स्ट्रेट जो होगा 180 डिग्री फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे जीरो एंगल बोलेंगे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे जो एकदम राउंड ऐसे घूम जाएगा वो आपका होगा 360 एंगल होता है पूरा ठीक है और ये देखिए ये ऐसे है इसको क्या बोलेंगे ये एंगल देखिए आपका ये ये इस ये एंगल कैसे बोलेंगे जो क्या मोर देन वन एट्टी डिग्री आपका एंगल जब आप मेजरमेंट करोगे कोई भी एंगल क्या हो वन एट्टी डिग्री से मोर देन हो बड़ा हो देखिए यहां तक तो होता है अपना ये यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है ठीक है क्या होगा तो वन एट्टी डिग्री से अबोव एंड लेस देन थ्री सिक्सटी डिग्री तो वो एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा देखिए यहाँ तक आता है तो स्ट्रेट एंगल हो जाता इससे ऊपर ही जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं तो वो आपके ओपटूस एंगल हो गए दैट मीन 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो गए अब जो यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया डेट मीन 360 और 180 डिग्री के जो बीच में एंगल होते हैं वो आपके रिफ्लेक्स एंगल होते हैं ध्यान रखना तो एंगल्स के अपने टाइप्स कौन कौन से हो गए राइट एंगल हो गया राइट एंगल कौन सा होता है जो 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है नेक्स्ट आपका स्ट्रेट uh, एंगल जीरो एंगल और स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं जीरो डिग्री और वन डिग्री जो स्ट्रेट एंगल होते हैं एकदम सीधी रो में वो आपका होता है स्ट्रेट एंगल जीरो एंगल नेक्स्ट आपका था एक्यूट एंगल हो गया एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं जीरो डिग्री से लेके और नाइनटी डिग्री के बिटवीन जो एंगल होते, uh, होते, होते हैं जो नाइनटी डिग्री एंड वन एट्टी डिग्री है ना नाइंटी डिग्री और वन एट्टी डिग्री के बिटवीन जो होते हैं वो आपके ओप्टूस एंगल होते हैं और नेक्स्ट लास्ट है अपना जो लास्ट वन है रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं जो वन एट्टी डिग्री और 360 डिग्री के बिटवीन जो एंगल होते हैं मतलब 180 डिग्री से और लेस देन 360 डिग्री ओके okay? उन एंगल्स को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल तो अपने ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ 160 सिक्सटी जो एंगल्स के कल हमने सीखे थे कि यहाँ आपने ने यहाँ आपने ने क्यों लिया सिक्सटी क्यों लिया इस एंगल को 120 क्यों नहीं लिया बिकॉज आपको पता है यहाँ तक अपने कौन सा होता है राइट right एंगल 90 डिग्री का, है, है? यह का एंगल है ये नाइन्टी का एकदम बीच में ठीक है और यहाँ जो एंगल आएंगे 90 और वन के बीच के एंगल है इसलिए यहाँ हमने सिक्सटी लिया था कल ठीक है वन नहीं लिया था इस एंगल को ओके यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को टाइप्स ऑफ एंगल कंप्लीट हो गया है, आपकी देखिए बस ट्वेल्व पॉइंट टू एक्सरसाइज है वो तो पूरी इस पर ही बेस्ड है वो आप खुद करके देखो प्रैक्टिस करने वाली जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की आज उन उनपे बेस्ड है और लास्ट अपना रहता है ड्रॉइंग एन एंगल पहले तो लास्ट क्लास इसकी अपने लेंगे एंगल को ड्रॉ कैसे करना है तो पहले आज आप सबको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं तो ये चीजें आप आज प्रैक्टिस करोगे घर पे एंगल को मेजर करना मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था तो सभी एंगल को मेजर करोगे फाइव एंगल सभी लोगे प्रैक्टिस करके देखोगे और कल की क्लास में अपने टॉपिक लेंगे लास्ट टॉपिक ड्राइंग एंड एंगल एंगल को बनाना कैसे है वो कल मैं आप लोगों को बताऊंगी मेजर करना मैंने बता दिया तो बनाना भी इसको बहुत ईजी है तो वो आप लोग करोगे ठीक है